हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे थे अपकमिंग JKP कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए पॉलिटी, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ फंडामेंटल राइट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक MCQs का सवाल है, जैसे ही हम सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तब हम MCQs को स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक से जितने भी पॉसिबल MCQs क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हम वो उनको सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट हम सभी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे, लेटर ऑन विल स्विच टू द MCQs सीरीज। फाइन। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारी ऑफिशियल ऐप पे, द मंजिल भारत ऐप पे कॉन्स्टेबल का कोर्स लॉन्च किया है हमने, जो कि एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 499 अवेलेबल है। आप हमारी ऐप को या तो प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। हम 22 तक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ चुके थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23 and 24, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अन्याय के खिलाफ जो राइट्स हमें मिलते हैं। सो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है? ट्रैफिकिंग का मतलब है जो ह्यूमन ट्रेड होता है, लोगों को जो खरीदा बेचा जाता है। वो बैगरी के लिए भी हो सकता है, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी हो सकता है, वो ऑर्गन्स के लिए भी हो सकता है। सो ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, साथ ही फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी जो होती है, जो ज़बरदस्ती काम कराना है ना, फोर्स्ड लेबर, उन दोनों को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पार्ट 3 के अंडर हमें ये दिए गए हैं, हमारे देश के सभी नागरिकों को ये मिलता है और ये हर पर्सन को ट्रैफिकिंग से बचाने की जो आप कहें हर एक पर्सन को राइट है कि उसे इस तरह की इलीगल एक्टिविटी से बचाया जाए। ठीक है। सो ये जो फंडामेंटल राइट है, इट इज अवेलेबल बोथ टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। हमने ग्रुप्स पढ़े थे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है और कुछ जो हैं दोनों को, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। सो आर्टिकल 23 के अंदर विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ठीक है। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। ठीक है। तो खाली स्टेट ही नहीं बट प्राइवेट पर्सन्स अगर ट्रैफिकिंग करते हैं, फोर्स लेबर करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी उनको प्रोटेक्ट करने की इसमें आप कहें रेफरेंस है। ठीक है। सो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि व्हाट इज ट्रैफिकिंग, कि जहाँ पे बच्चों को, मैन को, विमेन को, एवरी टाइप, एवरी ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड इन इट। ठीक है। अगर इंसानों को खरीदा बेचा जाता है फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, स्लेवरी हो सकती है, देवदासी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए जब खरीदा बेचा जाए, ह्यूमन ट्रेड हो, तो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। इसी के लिए कानून भी बनाया गया है, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। क्लियर है आर्टिकल 23। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 24। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। बच्चों का कारखानों में काम करने को ये प्रोहिबिट करता है, बैन करता है। कौन से बच्चे? बच्चे अप टू 14 ईयर्स। ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है, चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। तो हर बच्चा 14 साल से कम उम्र का उसे फैक्ट्रीज में इंप्लॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है। कौन सी फैक्ट्रीज में? माइंस में और अदर हजार्डस एक्टिविटीज, कारखाने हो, माइंस हो, या कोई भी ऐसी काम करने की जगह हो जो उनकी उनकी जान के लिए उनका खतरा हो, खतरा पैदा करती हो, या किसी भी तरह से उनके लिए हजार्डस हो, खतरनाक हो। ठीक है। ओके। सो इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशनल प्रोसेस एक्सेप्ट दोज रन बाय देयर ओन फैमिली प्रोवाइडेड देयर एजुकेशन इज नॉट हैम्पर्ड। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि आर्टिकल 24 के अंडर हर बच्चे को ये हक है कि उसे किसी भी तरह के काम में इंडल्ज नहीं किया जा सके, स्पेसिफिकली वो जो उनके लिए हजार्डस हो। लेकिन वो उन एक्टिविटीज़ में वो काम कर सकते हैं, उन प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप कह सकते हैं जो उनके फैमिली के द्वारा रन किए गए हों। होते हैं ना कुछ आप कहें स्टार्टअप्स होते हैं जो घर चलाते हैं, घर के लोग ही उसको चलाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस हो सकते हैं।
अगर उनमें वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है कि उनकी एजुकेशन उसमें हैम्पर ना हो रही हो। सपोज कॉटेज इंडस्ट्री है, घर पे एक इंडस्ट्री है जो छोटे चीजें बनाती हैं, किचन का सामान बनाती हैं, इट कैन बी पिकल, इट कैन बी सॉसेस, ठीक है। तो उसमें वो पैकेजिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है, छोटा बिजनेस है अपने ही घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि उनकी किसी भी तरह से एजुकेशन हैम्पर नहीं हो रही, ये नहीं कि उनको एजुकेशन के हटा के काम करा दिया गया, नहीं, फ्री टाइम में वाई देर विलिंग दे आर रेडी टू वर्क। जैसे घरों में बच्चे काम करते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि 14 ईयर्स के कम के बच्चे को आप अपने घर में किसी तरह का काम नहीं बोलेंगे, आप उसे नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिए पानी का गिलास लाएं, नहीं, इस तरह की एक्टिविटी नहीं। घर पे काम कर सकते हैं वो, अपने फैमिली बिजनेस में दे कैन वर्क विद देयर फैमिली, बट देयर एजुकेशन शुड नॉट बी हैम्पर्ड, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, हजार्डस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उनकी ग्रोथ को हैम्पर ना करें, ठीक है। Now it has been added a new category of adolescent children below between 14 and 18 years of age and bar their employment in any hazardous. अब इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है कि 14 से 18 years के तक के जो बच्चे हैं वो बाकी activities में कर सकते हैं employ, but hazardous में उनको भी employ नहीं किया जा सकता, ठीक है। 14 से कम वालों को किसी में भी नहीं, 14 से 18 वाले स्पेसिफिकली hazardous में नहीं, फाइन। अब आते हैं हम नई कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहां पे की गई है धर्म की बात, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें मिलते हैं धर्म से रिलेटेड कुछ मौलिक अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इट इज फ्रीडम। धर्म, अपने धर्म को मानने की, उसको प्रमोट करने की, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आपको उसको फील करना, उसे मानना, उस पर विश्वास रखना, उसे फैलाना, उसे प्रैक्टिस करना, उसकी आपको पूरी आज़ादी है। दिस इज आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। अब मंदिरों में जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, ठीक है, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रैलीज निकाली जाती हैं, तो उस तरह के रिलीजियस अफेयर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी और के फ्रीडम राइट को इन्फर ना कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फर ना कर रहे हो, ठीक है। 26, नाउ 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आप रिलीजियस एक्टिविटी में आप टेंपल बनाते हैं या कोई यात्रा निकालते हैं, कोई कीर्तन कराते हैं, तो उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आता है या जितने भी पैसे खर्च होते हैं उस पर आपको टैक्स चार्ज नहीं किए जाते। इसलिए मोस्टली ये देखा भी गया है कि अक्सर लोग अपनी ब्लैक मनी को यूज़ इन चीज़ों में ही करते हैं ताकि उनको टैक्स से बचना पड़े, है ना, उस चीज़ में शो कर देते हैं। जल्दी आपने ये चीज़ भी बहुत, आप एक तरह से कहें ना, मनी लॉन्ड्रिंग के बिहाफ से यूज़ की जाती है, ठीक है। सो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, बेसिकली ये आज़ादी इसलिए दी गई है कि हर एक इंसान को इक्वल राइट मिले, हर धर्म को इक्वल वेटेज मिले, क्योंकि हमारा देश क्या है, सेकुलर है, है ना, प्रियम्बल में मेंशन है कि अवर कंट्री इज सेकुलर, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। सो दैट्स वाई कि हर एक रिलीजन को इक्वली मौका मिले प्रमोट होने का, तो इसे टैक्स फ्री रखा गया है, ठीक है। So state cannot levy any kind of tax for promotion or maintaining any particular religion or religious domination, ठीक है। अब जितना मर्जी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता हो वहाँ से टैक्स नहीं चार्ज किया जा सकता, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वट एवर इट इज, वहाँ से टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है लास्ट, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आप अपने धर्म के इंस्ट्रक्शंस को, धर्म में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो नियम हैं, जो नीतियाँ हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, उन्हें, उनके बारे में जो भी बता रहे हैं आप देखें, जितने भी ये जो सत्संग वगैरह होते हैं या जो गुरु लोग भाषण वगैरह देते हैं वहाँ पे देर इज नो, आपको इंटरप्शन नहीं है, कोई भी जाके वो अटेंड कर सकता है ना, और कोई भी जाके वो ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, दिस इज फ्रीडम। मल्टीपल लेवल्स ऑफ, आप देखिए, आप कोई भी चैनल लगा के देख लीजिए, संस्कार चैनल लगा लीजिए या कोई भी चैनल लगाई, मल्टीपल ऑफ धर्म गुरुज आर देयर, है ना, जो बहुत ज़्यादा आपको प्रीचर्स है, मल्टीपल ऑफ प्रीचर्स है, और वहाँ पे करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, किसी को किसी तरह की रोक नहीं है, ना ही चीज़ों को फैलाने में, प्रमोट करने में, स्प्रेड करने में, प्रीच करने में, और ना ही लोगों को वहाँ जाके सुनने में, ठीक है। सो दीज राइट्स आर गिवन अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो देयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू प्रमोट देयर रिलीजन।
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 विच टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यहां होती है माइनॉरिटीज की बात। माइनॉरिटीज वो लोग जो पॉपुलेशन में रेस्ट ऑफ द कंट्री से कम है, ठीक है। सो आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, एक कल्चरल, दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। कल्चरली जो माइनॉरिटी है, दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। सो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कोई भी ऐसा ग्रुप, सोशल ग्रुप, सोसाइटी जिसके अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्चर है, कल्चर है, उसे अपने कल्चर को बचाने का, प्रमोट करने का, लैंग्वेज को प्रमोट करने का पूरा हक है, ठीक। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटीज, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो अपने शिक्षा के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं, जहाँ पे वो अपने कल्चर के ग्रुप को, अपने जो आप कहें फर्दर जनरेशन्स को, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बता सकती हैं और अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती हैं, ठीक है। फाइन, सो आर्टिकल 29 और 30, दिस इज अवेलेबल टू अवर सिटीजन ओनली। ये जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दिस इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। क्लियर है? लास्ट आता है जो हमारे आज के टॉपिक का लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है, कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स अभी तक हमने पढ़े, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक, उसमें जितने भी हक हमें दिए गए हैं, रिलीजन से रिलेटेड है, एसोसिएशन से रिलेटेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो सब हक अगर हमसे छीने जाते हैं तो हम कहाँ जाकर पिटीशन फाइल करेंगे या कहाँ जाकर कंप्लेन करेंगे। सो इन केस अवर राइट्स आर अबॉलिश्ड और अवर राइट्स आर टेकन अवे फ्रॉम अस और अवर राइट्स आर वॉयलेटेड, तो हम कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, आपसे छीना जाता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये फर्ज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि सबको फंडामेंटल राइट्स अपने इक्वली मिले, ठीक है। सो आर्टिकल 32 प्रोवाइड यू द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि ये दे कैन इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, कि आपको वो मिले, उसके लिए वो पब्लिक ऑफिसेस को या प्राइवेट ऑफिसेस को डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट इशू कर सकते हैं। दे कैन ऑर्डर देम, दे कैन इशू रिट्स, दे कैन इशू डायरेक्शंस, ठीक है। और द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली इट इज अवेलेबल टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट पार्लियामेंट ये पावर किसी भी कोर्ट को दे सकता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर दीज रिट्स? अब आर्टिकल 32 के अंदर पांच तरह की रिट्स आती हैं। ये क्या क्या रिट्स हैं, दीज आर मेंशन हियर। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स। वन इज हेबस कार्पस, सेकेंड इज मंडामस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज सर्चरी एंड फिफ्थ इज क्वो वारंटो। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो उनके एनफोर्समेंट के लिए अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कैन इशू रिट, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू रिट। ये दोनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है, तो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये इंडिविजुअल रिट्स क्या होती है। हेबस कार्पस क्या होता है? हेबस कार्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है, हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट में कि
डिटेंशन के अंडर भी कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है, एक जगह से निकाला जाता है, तो उस पर्सन को पता होना चाहिए कि किस वजह से उसे डिटेन किया जा रहा है, किस वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, किस वजह से उसे पकड़ा जा रहा है। और उसका ये भी हक है कि उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। सो बाय इशूइंग द रिट द कोर्ट ऑर्डर्स द कंसर्न्ड पर्सन और अथॉरिटी हु हैज डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द डिटेन पर्सन और प्रिजनर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। इससे ये जाना जाता है कि अगर किसी भी पर्सन को निकाला जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो क्या वो लॉफुल भी है, लीगली उसे निकाला जा रहा है कि इलीगली गैर कानूनी तरीके से उसे निकाला जा रहा है, क्या उसका कोई सॉलिड रीजन भी है। इसीलिए अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसे रीजन नहीं बताया गया या इलीगल वे से उसे डिटेन किया गया है, तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट रिट इशू करके या कोर्ट खुद भी ये रिट इशू करके दे कैन आस्क द पर्टिकुलर पर्सन हु हैज डिटेन अ पर्सन टू प्रोड्यूस देम टू देयर टू द कोर्ट, ठीक है। और जब उनको प्रोड्यूस किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि डिटेन उनको लीगली किया गया है कि इलीगल वे से डिटेन किया गया है, और अगर डिटेंशन इलीगल है तो उनको इमीडिएटली रिहा कर दिया जाता है। सो दैट इज द हेबस कार्पस रिट। ये फर्स्ट टाइम जलियांवाला बाग से पहले जो बात हुई थी दैट इज अबाउट हेबस कार्पस, क्योंकि वहां पे लोगों को पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था बिना उनको बताए कि उनका क्या रीजन है, बिना कोई उनके क्राइम को बताए हुए, बिना उनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुए उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। सो हेबस कार्पस जो है उसका उसके अगेंस्ट की एक्टिविटी की जा रही थी, ठीक है। ओके, सो हेबस कार्पस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट उन पर्सन के जो डिटेन्ड लॉफुली हैं या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, जब आप कोर्ट में अदालत के अंदर अगर अदालत के रिस्पेक्ट के खिलाफ कुछ काम करते हैं, वहाँ पे जो उनके रूल्स बनाए गए उनके अगेंस्ट अगर कोई एक्टिविटी होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कोर्ट आपको अदालत से बाहर निकाल देती है या डिटेन कर देती है, ठीक है। सो तब आप हेबस कार्पस रिट इशू नहीं हो सकती, और ना ही अगर लीगली कुछ क्राइम किया है, कुछ एक्टिविटी हुई है उसकी बेस पे आपको डिटेन किया जा रहा है, तो यू दिस रिट कैन नॉट बी इशूड, ठीक है। ये रिट इशू कब की जा सकती है, किन के अगेंस्ट की जा सकती है, स्टेट के अगेंस्ट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी, ठीक है। अगर स्टेट ने डिटेन किया है तो उनके अगेंस्ट भी, प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया है तो भी। सेकंड फॉर्म ऑफ रिट आती है मंडामस। मंडामस इट इंस्ट्रक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। अगर कोई पब्लिक ऑफिस, कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, वो कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई भी पब्लिक ऑफिस हो, तो कोर्ट रिट इशू कर सकता है कि आप ऐसा काम करें। अगर सपोज आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं कोई सर्विस अवेल करने के लिए, और वो पर्सन वहां पे जो रिक्रूटेड है उसका काम है आपको वो सर्विस प्रोवाइड करना, और वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट उनको डायरेक्ट कर सकता है कि आप अपना काम करें, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा रहे। सो इट कैन बी रेज्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपना काम ना करें, कॉरपोरेशंस, लोअर कोर्ट्स और गवर्नमेंट बॉडी। लोअर कोर्ट्स मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को बोल सकती है कि आपने काम नहीं किया, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकते हैं कि आपने अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस किस के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉरपोरेशन, लोअर कोर्ट्स। देखिए आप कोर्ट ना प्राइवेट पर्सन को नहीं बोल सकती, प्राइवेट कॉरपोरेशन में कोई काम नहीं कर रहा ऑफिसर तो वो वहाँ पर रिट इशू नहीं कर सकती। तो इनका जो रूल है हेबस कार्पस प्राइवेट पर्सन में अगेंस्ट हो सकता है इशू, बट मंडामस नहीं, ठीक है। सो दैट इज अगेंस्ट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट बॉडी। कांट बी रेज्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल, सीजीआई, सीजे, बिकॉज दीज आर द हाईएस्ट ऑफिसेस, उनको कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट को नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते आपका काम करने के लिए, गवर्नर्स को नहीं बोल सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बोल सकते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बोल सकते, ना ही बोल सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वो वारंटो।
इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टू लीव अ पोजीशन टेकन रॉन्गफुली. अगर कोई इंसान है जिसकी जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, लीगली रिक्रूटेड नहीं हुआ है, बैकडोर एंट्री हुई है, गलत तरीके से उसने वो पोजीशन ली है, तो कोर्ट उसे वो पोजीशन छोड़ने के लिए बोल सकता है. तो किसके लिए अगेंस्ट इशू हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड पब्लिक ऑफिस. ठीक है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट ये इशू नहीं की जा सकते. प्राइवेट ऑफिस में कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, गवर्नमेंट कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती. बट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में या पब्लिक ऑफिस में इट कैन बी इशू. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई गलत तरीके से उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में गलत तरीके से बैठा है, इट कैन बी इशू. ठीक है, मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में किसी को भी जगह दी है, उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. प्राइवेट ऑफिस में किसी ने भी किसी को भी कोई भी पोजीशन दी है, कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. फाइन, नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब रोकना. अ लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद अ केस. सो ये रिट इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाकर किसी कोर्ट को किसी केस को हैंडल कर रहा हो. ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि हर एक का ना अपना एरिया होता है जिस एरिया के अंदर वो काम कर सकते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई चोरी का केस हुआ है या ब्राइबरी का केस या कोई भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो जनरली रिपोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है. जहां वो क्राइम होता है उस एरिया का कंट्रोल जिस पुलिस स्टेशन में है, वहीं जाके रिपोर्ट लिखाई जाती है. ठीक है, उसी तरह से कोर्ट्स की भी ज्यूरिसडिक्शन होती है, हाई कोर्ट्स की भी, कि ये केस वो सुनवाई इन केसेस की वो कर सकते हैं. तो जब लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके काम करे, तो उसके अगेंस्ट रिट इशू की जाती है प्रोहिबिशन की. ठीक है, सो इट कैन बी इश्यूज अगेन जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. क्वासी जुडिशियल मतलब जो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए केसेस को सुनते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गए जैसे, है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के केसेस होते हैं, प्रमोशन के केसेस हो गए, है ना, उसके अगेंस्ट जो केसेस होते हैं, दैट इज हर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. वो हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स में नहीं सुने जाते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं. जैसे जेकेपीएससी का कोई केस होगा तो वो वहां सुना जाता है. तो ट्रिब्यूनल्स उनको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी. ठीक है, वो एक्चुअल में वो बाकी केसेस नहीं सुन रहे, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस सुन रहे हैं. ठीक है, सो इट कैन बी रेज्ड अगेन जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एंड कांट बी रेज्ड अगेन प्राइवेट बॉडीज एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज. क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज की ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करती है पार्लियामेंट, वहां सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती. तो प्राइवेट बॉडीज, इंडिविजुअल एंड लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकती. नेक्स्ट आता है सशरी, दैट इज द लास्ट रिट. इट इज अ रिट, अ हायर कोर्ट ट्रांसफर्स प्रोसीडिंग फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ. प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ लोअर कोर्ट को रोका जा रहा है पर्टिकुलर केस की सुनवाई करने से. लेकिन सर्शरी में क्या हो रहा है कि उस केस को लोअर कोर्ट से लेकर अपने पास ले रही है कोर्ट. खाली लोअर कोर्ट को रोक नहीं रही है, उस केस को अपने पास ले रही है. ठीक है, सपोज हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोले कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, इस केस को मेरे पास ट्रांसफर कर दें, दैट इज सर्शरी. अगर वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलते हैं कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, तो दैट इज प्रोहिबिशन. क्लियर, सो सर्शरी इशू हो सकती है सिमिलर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, एंड कांट बी रेज्ड अगेंस्ट, इट इज सिमिलर टू प्रोहिबिशन, दैट इज प्राइवेट बॉडीज, इंडिविजुअल, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. क्लियर है, सो दैट इज इट अबाउट फंडामेंटल राइट्स. इसके साथ ही हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होते हैं. हमने कंप्लीट दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से, जो ब्रॉडली डिवाइड होते हैं सिक्स कैटेगरीज में. सिक्स कैटेगरीज के बाद हमने ये भी देखा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को अवेलेबल है. आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल्स के फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और कौन से हैं जो सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को अवेलेबल है. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक दैट इज फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर, थैंक यू.